तो आज हम अपनी जंगली मछलियों को समुंदर में छोड़ने जा रहे हैं। क्या बोला तूने? अरे मजाक कर रहा हूँ, बल्कि समुंदर में नहीं बल्कि तो हौज में छोड़ देंगे, डूब तो चलते हैं। तो हमारे घर के नियर एक मस्जिद है और इस मस्जिद के अंदर हौज है, तो हम इस हौज के अंदर अपनी फिशेस को ड्रॉप कर देंगे। तो फिर आओ चलो छोड़ते हैं इन्हें। तो पहले तो हम इस पॉन्ड के अंदर अपनी फिशेस का टेम्परेचर मेंटेन होने रख देते हैं। इनका टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए मेंटेन होने देते हैं, फिर इनको ड्रॉप कर देंगे इस पॉन्ड के अंदर। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अपनी जंगली मछलियों को पॉन्ड के अंदर ड्रॉप क्यों कर रहे हैं, ये बात मैं आपको वीडियो की एंड में बताऊंगा, पहले हम इन्हें ड्रॉप कर देते हैं। तो हमने अपनी पहली जंगली मछली ड्रॉप कर दी है इस पॉन्ड के अंदर, देखो कैसे जा रही है नीचे। और अब बारी है हमारी इन दोनों फिशेस की, देखते हैं इसमें से हम पहले कौन सी छोड़ेंगे। जो भी पहले हाथ में आएगी वही जाएगी नीचे पहले। अब बारी है हमारी पिंक वाली कैट फिश की, जो कि अब पानी के अंदर जाने वाली है। देखो गई, और देखो गाइस कैसे गई, ये भी बिल्कुल पानी के नीचे। और यहाँ पे देखो कितनी सारी फिशेज है। अब बारी है हमारी आखिरी कैट फिश की, इसको हम ऐसे ही पानी में डाल देते हैं। और हमने अपनी सारी कैट फिशेज को इस पॉन्ड में ड्रॉप कर दी है। ये कह रही है मैं आ, ये आना चाह रही है मेरे ख्याल से। वो नबी ला गई, नबी ये मैं आना तेरे के तक लौट ना, नबी ला गई, नबी ला गई। अबे गई गई, अब कोई नहीं, अबे गई गई चीज हसीन ना, वो थोड़ा नहीं पड़ेगा अभी, यहां बड़ी हो जाएगी ये हसीन नहीं, यहां पे बड़ी हो जाएगी ये। वो कहां गई का है वो, ये तो खाली हाथ में आ रही है, देखो गाइस वो हाथ में आ रही है हमारी वाली गई, भाई ने पकड़ ली थी। ये ऊपर ही तैर रही है, ऊपर ही तैर रही है दूसरी वाली हमारी, हो रही हो रही हो रही उसके साथ, वो देख वो जा रही, दोनों साथ हो गए। देख अबे तो कोई पकड़ के ले आया अभी ले से। गाइस पता नहीं हमारी जंगली मछली बार बार ऊपर ही तैरे जा रही है, मुझे लग रहा है कि ये हमारे पास वापसी आना चाह रही है। और गाइस क्या आपको याद है कि हमने काफी टाइम पहले अपनी 3 ग्रामी फिशेज इसी हॉस के अंदर छोड़ी थी, पहले ये छोड़ी थी 1 साल पहले छोड़ी थी, महीने भर पहले छोड़ी थी ये वाली, तीन ऐसी पता नहीं कहां पर ग्रामी छोड़ दी, ग्रामी फिश हमने 3-4 महीने पहले छोड़ दी है। एक बोल रही, हाँ देखो एक बोरी हमारी ग्रामी फिश जो हमने छोड़ दी पहले, एक ये रही एक आ गई एक गायब है, होगी इसी में याद है ना, बहुत पहले छोड़ी थी वो, दिखा वो रही, वो रही आई ऊपर गोल्ड के आगे। हाँ हाँ ये रही ये रही ये रही, और एक इसके पीछे भी है। गाइस हमारी जंगली मछली है ना ऊपर ही आया जा रही है, देखो ये रही, देखो ये रही व्हाइट वाली नहीं, देखो ये रही हमारी जंगली मछली, व्हाइट वाली तो देख, ये जंगली मछली चाह रही है वापसी आना, मगर इनको नेचर में ही जाना है, कोई भी यूं आएगा और यूं ही करके इन्हें यूं ही पकड़ लेगा, नहीं फिर यूं ही छुड़ जाएंगी। अरे ये देखो गाइस ये रही हमारी पिंक वाली कैटफिश, देखो कैसे नीचे गई है, ये गंदगी में आके छुप रही है, नीचे गंदगी हो रही है ये उसके अंदर आके, देखो घूम रही है पूरी है। तो गाइस हमने अपनी जंगली मछलियां इस पॉन्ड के अंदर छोड़ दी है, देखो कितना बड़ा पॉन्ड है, और यहाँ पे गाइस बहुत सारे लोग आके ना अपनी फिशेस जो बड़ी बड़ी हो जाती है ना वो इस पॉन्ड में आके छोड़ देते हैं, तो हमने भी अपनी फिशेस यहीं पे छोड़ दी है। हमने यहाँ पे पहले अपनी 3 ग्रामी फिशेस छोड़ी थी, और अब वो भी इसके अंदर हमें दिख रही है, मैंने आपको दिखाई थी, देखो अभी दिख रही है, देखो ये रही गाइस नजर नहीं आ रही कैमरे के अंदर, ये गाइस कैमरे के अंदर नजर नहीं आ रही। तो गाइस हमने अपनी सारी फिशेस आपके सामने ड्रॉप करके छोड़ दी थी, अब हम अपने वाले टैंक के लिए, जिस टैंक में हमने अपनी फिशेस छोड़ रखी थी ना, उसके लिए हम प्लेको फिश लेने जा रहे हैं फिश शॉप पे, तो चलते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ फिश शॉप पे, और गाइस हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं अपने एक्वेरियम के लिए फिश लेनी कौन सी है हमें, वैसे हमें प्लेको फिश चाहिए अपने एक्वेरियम के लिए, क्योंकि हमारा एक्वेरियम साफ हो जाएगा प्लेको फिश से, तो आओ देखते हैं कौन सी चाहिए। देखो गाइस ये रही प्लेको फिश है एक ब्लैक कलर में, ये हमें अच्छी लग रही है, बाकी एक और प्लेको फिश है पीछे, मगर हमें ज्यादा अच्छी ये वाली लग रही है, ये टैंक अच्छा साफ कर रही है, क्योंकि टैंक को बहुत अच्छा साफ और क्लीन भी कर रही है। देखो और गाइस देखो यहाँ पे प्लेको का कितना छोटा बच्चा है गाइस, देखो बड़ा छोटा बच्चा है ये, देखो देखो गाइस ये हमारी उंगली से भी छोटा है ये प्लेको का बच्चा। और गाइस हमें इससे अच्छी एक और प्लेको फिश लगी, जो कि आप इसका पैटर्न देख सकते हो कितना प्यारा पैटर्न है इसका, देखो इस प्लेको फिश का पैटर्न मुझे काफी अच्छा लगा, भले ही ये छोटी है लेकिन हमने सोचा कि यही वाली प्लेको फिश ले लेते हैं, ये हमारे एक्वेरियम में अच्छी लगेगी। तो गाइस हम निकलवा रहे हैं अपनी यही वाली प्लेको फिश, और आप इसका पैटर्न देख सकते हो गाइस कितना प्यारा है, रुको मैं आपको वापसी दिखाता हूँ इसका पैटर्न, देखो गाइस कितना प्यारा पैटर्न है इसका, दिख गया दिख गया, डाल दो शरीफ, इसका पैटर्न कितना प्यारा है, अब इसको डाल दिया हमने,
गाइज हमने प्लेको फिश ले ली है, अब फाइनली इसको हम लेके चलते हैं अपने घर पे। तो देखो गाइज ये रही हमारी प्लेको फिश, अब हम इसको ड्रॉप करेंगे अपने इस वाले टैंक के अंदर। तो गाइज हमने अपनी प्लेको फिश अपने टैंक के अंदर ड्रॉप कर दी है, आप बताओ आपको हमारी प्लेको फिश कैसी लग रही है हमारे इस टैंक के अंदर। और हाँ गाइज मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी जंगली मछलियों को हौज में क्यों छोड़ा, असल में गाइज जो हमारी जंगली मछलियां और कैट फिश थी वो चीज नेचर में रहती है, वो फिशेज मेरे ख्याल से एक्वेरियम में ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाती। और गाइज हम अपने इस टैंक का पूरा नक्शा बदल देंगे, यानी कि इसको हम प्लांटेड सेटअप टैंक बनाएंगे। और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।